जे विरोध करतात राम मंदिराचा त्याला काय सांगाल तुम्हाला? घंटा फरक नाही पडत. जो कट्टर सनातनी आहे ना उसको भी घंटा फर्क नहीं पड़ता है. ऐसे कुत्ते भोकते रहते हैं, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है. और जिसने जिसने सनातन धर्म का विरोध किया, जिसने जिसने देवी देवताओं का अपमान किया, आज देखो उनके हालत देखो कैसी हो गए, समझा? तो मेरे पास इतनी नोटिस पड़ी है. हाँ, कि तू क्यों बोलता है, क्यों बोलता है? पिछवाड़ी में दम है इसके लिए बोलता है. कि 22 जानेवारीला जे जे लोक तिकडे नाही जाऊ शकत त्या लोकांनी इकडे 22 जानेवारी मनवा. हर घरामध्ये दिवे दिवे लावा आणि राम जन्मभूमीचा जय श्री राम, जय श्री राम. आप सनातन धर्म को लेके, हिंदुत्व को लेके आप जिस तरीके से बातें करते हैं, बोलते हैं, हर कोई वो पसंद करता है आपकी बातों को. तो जो आने वाला ये जो युवा वर्ग है वो कहीं ना कहीं नशे की तरफ ज्यादा अग्रसर हो रहा है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखो बहन, मैं आपको एक बात बताता हूं. हर वो एक इंसान ने ना आवाज उठाना चाहिए. आज मैं जो उठा रहा हूँ ना, वो मेरे को जरूरत नहीं उठाने का, सब कुछ है, मगर मैं कहीं ना कहीं ये सोचता हूँ कि आज ये बच्चे ना जो ये नशे के इसमें जो फंसे पड़े हैं ना, एजुकेशन के लाइन पे जाना चाहिए. और कुछ लोग अपने ही होते जो अपना ही टांग खींचते, समझा? तो मेरे पास इतनी नोटिस पड़ी है. हाँ, कि तू क्यों बोलता है ने पिछवाड़ी में दम है इसके लिए बोलता है. बाप है इनका. बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है. मैं 22 तारीख को वहाँ नहीं जा पाया, तो ये इधर का दर्शन मेरे बाबा ने करवाया. विरोध करता है राम मंदिराचा त्याला काय सांगाल तुम्हाला? घंटा फरक नहीं पड़ता. जो कट्टर सनातनी है ना उसको भी घंटा फरक नहीं पड़ता है. ऐसे कुत्ते भोकते रहते हैं, कोई घंटा फरक नहीं पड़ता है. और जिसने जिसने सनातन धर्म का विरोध किया, जिसने जिसने देवी देवताओं का अपमान किया, आज देखो उनके हालत देखो कैसी हो गए. रोड पे आगे ले, वो पार्टी रहने दो, वो नेता रहने दो. जिसने जिसने विरोध किया देवी देवताओं का, राम मंदिर का, सनातन का, आज उनकी हालत एक कुत्ते से बदतर हो गई. भाव, एक आपका शो आ रहा है अनसुनी, वो स्क्रिप्टेड है या ओरिजिनल है? देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ शो के बारे में. वो शो ये है जो हर घर में हर समाज में जो चलता है वो समाज का वहाँ पे बताया जाता है. कुछ लोग ऐसे होते जो वहाँ पे आके समाज के सामने मेरे वो प्लेटफॉर्म पे आके बोलना नहीं चाहते, नहीं बता सकते, डरते कहीं ना कहीं ये समाज से, परिवार से. तो उसके लिए वहाँ पे जो एक्टर लोग हैं उनको खड़ा कर दिया जाता है और उनको उनकी जो हकीकत है वो वहाँ तक पहुँचाई जाती है, समाज तक पहुँचाई जाती है. वो एकदम पहली फुर्सत में जय श्री राम.